हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल जीनियस स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो हम देखेंगे विटामिन्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा और इस वीडियो को दो पार्ट में लाऊंगा। एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दो वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को दोस्तों पसंद आए तो दोस्तों के पास शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी के स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर आप लोग मुझे आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन की खोज जो है वो की थी सी फंक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी बता रहे ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन की खोज जो है सी फंक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो फ्रेंड्स, विटामिन शब्द जो है ये भी दिया था सी फंक वैज्ञानिक ने। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है कि विटामिन में कितनी ऊर्जा मिलती है। तो फ्रेंड्स, विटामिन से जो है कितनी ऊर्जा मिलती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य, यानी कि विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है, यानी कि कुछ भी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स, विटामिन जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि विटामिन किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स, विटामिन को दो प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो फ्रेंड्स, जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आठ। क्वेश्चन नंबर आठ आप सभी के स्क्रीन पर है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो फ्रेंड्स, वसा में कौन कौन से विटामिन जो होते हैं घुलनशील होते हैं, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कि उपर्युक्त सभी ये जितने भी विटामिन हैं ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो चलिए आप लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो विटामिन डी से प्राप्त होती है, इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन है कि मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जो है लाभदायक होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए जो है विटामिन ए काफ़ी लाभदायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 12 है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए को जो है एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो किस विटामिन को फ्रेंड्स एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए को। ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विटामिन ए को जो है एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन जो ए होता है सबसे प्रचुर मात्रा में तो ऐसे गाजर में पाया जाता है, लेकिन हरी सब्जी, मूली यानी कि उपयुक्त सभी में भी पाया जाता है। ये जितने भी ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर, गाजर, हरी सब्जी, मूली, इन सभी में जो है विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए को जो है रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, तो विटामिन ए की कमी से जो फ्रेंड्स है रतौंधी नामक बीमारी होती है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, और विटामिन ए का ही रासायनिक नाम मैंने अभी बता चुका है कि रेटिनॉल होता है, और इसे रात का अंधनपन भी कहा जाता है, यानी कि रतौंधी को जो फ्रेंड्स है रात का अंधापन, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि रात का अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निक्टोलोपियो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है, तो निक्टोलोपियो इस प्रश्न का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 की वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमेलेशिया जो किस विटामिन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सी बीमारी, अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमेलेशिया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20। फ्रेंड्स क्वेश्चन 20 है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो फ्रेंड्स विटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग है वो बेरी बेरी होता है। किसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना जितने भी मैं एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में त्वचा और होंठ फट जाते हैं, यानी कि गर्मियों के मौसम में देखा होगा कि वो कौन सी विटामिन होती है जिससे मनुष्य के त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो तेज का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B2 की कमी से जो मनुष्य में त्वचा और होंठ फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 होगा कि एनीमिया रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एनीमिया रोग जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन B12 की कमी से होता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26 यानी कि 25 है कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स मछली के यकृत में कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी जो होते हैं ये मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा से पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से जो है मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलोग्रा जो रोग होता है ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो 27 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पाइरोडॉक्सिन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पाइरोडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ध्यान से देखना विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन विटामिन से रह रहे हैं, तो वो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं सारे क्वेश्चन विटामिन से संबंधित कवर करा दूंगा। आप लोग टेंशन मत लेना, अभी विटामिन सी के बारे में बहुत जानकारी देनी है, विटामिन के बारे में, विटामिन ई के बारे में, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। और इस वीडियो को सपोर्ट करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।